ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं सरपंच। ये ताजा तस्वीरें भी सामने आई है। ई टेंडरिंग विवाद को लेकर लामबंद हो गए हैं प्रदर्शनकारी सरपंच, और जब देखिए बैठक के लिए उन्हें बुलाया गया लेकिन बैठक बेनतीजा जब साबित हुई, और उसी दिन जो है सरपंचों ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, और कल तक का अल्टीमेटम भी दिया गया था, जब अल्टीमेटम को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद आज ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम ये सरपंच सड़कों पर उतरे हैं और कूच आगे की ओर यानी कि चंडीगढ़ की ओर कर रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसी बीच पुलिस बल की भी तैनाती नजर आ रही है। साफ तौर पर आगे जो है वो नहीं बढ़ने की बढ़ा जाए, इसे लेकर भी पुलिस बल की तरफ से कोशिश यहाँ पर होनी है। और रवि चंदेल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए आगे निकल चुके हैं, कूच कर चुके हैं सरपंच, तमाम तस्वीरें दिखाइए, क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सरपंचों द्वारा जो पैदल मार्च था वो निकाल दिया जा चुका है, और अब सरपंचों को जो है वो हरियाणा पुलिस द्वारा जो है वो चंडीगढ़ और पंचकुला के बॉर्डर पर जो है वो रोक दिया गया है। बाकायदा आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि पुलिस द्वारा जो है वो बाकायदा बैरिगेडिंग जो है वो की जा चुकी है, और सरपंचों और पुलिस के बीच जो नोकझोंक है वो भी लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि पुलिस और सरपंचों के बीच जो नोकझोंक है वो भी लगातार जारी है। और दूसरी तरफ अगर हम पुलिस की बंदोबस्त की बात करें तो पुलिस द्वारा जो है वो तमाम तरीके के बंदोबस्त जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। ना सिर्फ बैरीगेड्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं बल्कि वाटर कैनन्स की गाड़ियाँ जो है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय जो है वो की गई हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो पुलिस का जो हुजूम है, ना सिर्फ पंचकुला की पुलिस जो यहाँ पे मौजूद है बल्कि अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि सरपंचों को जो है वो किसी भी सूरत में चंडीगढ़ के अंदर एंटर ना होने दिया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि देखिए पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर अब साफ तौर पर आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए सवाल ये भी है रवि, कि जिस तरीके से एकजुट होकर हजारों लाखों की संख्या में ये सरपंच आगे कूच कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरीके से ये सरकार पर दबाव बना पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें, सरकार द्वारा जो है वो लगातार कवायद भी की जा रही थी, लगातार सरपंचों के साथ जो है वो बातचीत भी की जा रही थी, बैठक भी हुई थी और सरपंचों को मनाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन सरपंचों का साफ तौर पर कहना था कि जब तक जो है वो ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर जो उनकी मांगे हैं उन्हें नहीं माना जाता, तब तक जो है उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और उसी के मद्देनज़र आज जो है वो तमाम प्रदेश से जो है वो सरपंच यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हजारों की संख्या में जो सरपंच हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और लगातार उनका यही कहना है कि जो संवैधानिक तौर पर जो अधिकार सरपंचों को दिए गए हैं उनका हनन करने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है, और इसे जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। तो उसके मद्देनजर अब जो सरपंच हैं वो अब चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री का जो आवास है उसका घेराव करने की जो कोशिश है वो सरपंचों द्वारा की जा रही है। और हालांकि उससे पहले ही ठीक चंडीगढ़ पंचकुला के बॉर्डर पर जो है वो सरपंचों को जो है वो पुलिस द्वारा रोक दिया गया है। आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि बाकायदा प्रॉपर बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर हुई है, तस्वीरों में देख पाएंगे तो बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। इसके अलावा सरपंच जो है वो लगातार पुलिस के साथ जो है वो धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, लगातार हो हल्ला जो है वो किया जा रहा है ताकि किसी भी सूरत में जो है वो सरपंचों को जो है वो चंडीगढ़ जो है वो दाखिल हो सके। तो ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर की जहाँ पर सरपंच जो है वो लगातार उग्र जो है वो होते जा रहे। तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि सरपंच जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, धक्का मुक्की करके कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से बैरिकेड्स लगाए हुए हैं उन्हें क्रॉस कर सकें और वो चंडीगढ़ के अंदर जो है वो एंटर हो सकें। जी